माइंडफुल वर्सेस माइंडफुल, इसका मतलब ये है कि जब भी आप कभी आप बाहर जाओ घूमने फिरने किसी पार्क में, तो हमेशा अपने काम कारोबार परेशानी को घर पे छोड़ के जाओ, नेचर को एंजॉय करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, सबका दिमाग भी रिलैक्स होगा। इस पिक्चर को देख के हमें एहसास होता है कि हमारे लिए नुमाइश करिए है कि अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं किसी भी गरीब की, तो बनवा के सोशल मीडिया पे हम लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, ये दिखावा नहीं होना चाहिए हमारी नेकियों में, हमारे नेक काम। हमारी जो सिचुएशन होती है वो मैटर नहीं करती, हम उस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो मैटर करता है। हमारा गलत रिस्पॉन्स हमें और मुसीबत में डाल सकता है, और हमारा रिस्पॉन्स समझदारी वाला रिस्पॉन्स हमें मुसीबत में डाल सकता है। You never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. आप कभी भी इस ओशन को क्रॉस नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर करेज नहीं होगी दूसरी तरफ के शोर को देखने। Not everybody will be a real. हर इंसान आपके साथ रियल नहीं होता, आपके साथ सिंसियर होता है। आपके साथ रहने वाले ही आपके दुश्मन निकल आते हैं, तो आपने हमेशा अच्छे लोगों में नजर रखनी। Everything we do has its consequence. कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा अमल जो हम करते हैं, तो उसके बहुत ही consequences होते हैं। This world is not only for humans. ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी है। तो जानवरों के लिए इस तरह की चीजें क्रिएट ना करें। Growth is an ugly process and that turns into a beautiful victory. आपकी ग्रोथ एक बहुत ही बदसूरत अमल है, लेकिन जब वो विक्ट्री में, कामयाबी में तब्दील होती है तो वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। लाइफ ऑन सोशल मीडिया, हमेशा ज़िंदगी के दो रूप होते हैं। सोशल मीडिया पे जो लाइफस्टाइल, जो रंगीनियाँ या जो दुनिया में नज़र आती हैं वो सिर्फ एक रूप है, जबकि दूसरा रूप बहुत ही बदसूरत है। योर पोटेंशियल मीन्स नथिंग विदाउट टेकिंग एक्शन। आपकी कोशिश, आपकी हिम्मत कुछ भी नहीं है जब तक आप उस पर अमल ना करो। मंडे टू संडे एक गोल घूमने वाला चक्कर, मंडे से संडे और दोबारा फिर संडे से मंडे, सारी उम्र आपकी इसी चक्कर में गुजर जाती है और आपको जिंदगी का पता नहीं चलता। फ्रीडम इज अ स्टेट ऑफ माइंड, आज़ादी आपकी सोच का नाम है। पिक्चर में देखें दो परिंदे हैं जो आज़ादी से टहनी पे बैठे हैं, और एक इंसान है उसका बच्चा है जो मोबाइल में इन्वॉल्व है। यू आर दी ऑथर ऑफ योर ओन स्टोरी, आप अपनी ज़िंदगी के किताब के खुद मुसन्निफ हैं। आपने डिसाइड करना है कि आप क्या खोना चाहते हो और क्या पाना चाहते हो। अनसक्सेसफुल पीपल्स एंड सक्सेसफुल पीपल्स, नाकाम लोग हमेशा नाकामियों का जो मलबा होता है उसको अपने अपने सर पे लाद के लेके चलते हैं, जबकि कामयाब लोग उन्हीं नाकामियों से, गलतियों से सीखते हैं जो कदम रखते हैं कामयाबी की तरफ बढ़ जाते हैं। ये पिक्चर बहुत ही मीनिंगफुल है, एक इंसान है जो अपने दौलत का थे जिसने कमाया था दुनिया में अपने साथ कब्र में लेके जाना चाह रहा, जबकि मौत का परिसर को कहता है कि सॉरी सर नो बैगेज अलाउड। अपने ज़िंदगी में किसी मेरिकल का वेट नहीं करना, किसी जादू का वेट नहीं करना, आपने अपने अमल से, अपनी कोशिश से, मेहनत से, परेशानी से निकलना है
और जब आप खुशी करोगे तो डेफिनेटली फिर अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। पिक्चर को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुफ्लिस आदमी, भूखा आदमी की जो प्रायोरिटी है ज़िंदगी में तरजीह होती है उस वक्त की रोटी है, ना कि चाबी जिससे को हासिल करके वो इसके लिए होती है बस कैसे आज़ाद होके आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते। कामयाबी का पहला कदम हमेशा बहुत मुश्किल होता है, बड़ा होता है, उस कदम को उठाने के लिए आपको बहुत मेहनत कोशिश एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत सारे लोग आपको डिग्रेड भी करते हैं, लेकिन जब आप एक दफ़ा कदम उठा ले तो आगे कदम ऐसा ऐसा आसान और छोटे होते चले जाते हैं।